नमस्कार, मैं प्रिया। आज 4 जून खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1,25,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। पंचायत चुनाव के लिए फिर से करनी होगी पूरी मशक्कत। बिहार के स्कूल में पुस्तकालाध्यक्षों की होगी नियुक्ति। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों का आरक्षण का बढ़ा दायरा। बिहार में कोविड-19 के मिले 1,000 से ज्यादा मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोविड-19 के मिले 1,000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,106 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,430 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 39, अरवल में 8, औरंगाबाद में 11, बांका में 8, बेगूसराय में 25, भागलपुर में 13, भोजपुर में 17, बक्सर में 7, दरभंगा में 27, ईस्ट चंपारण में 32, गया में 22, गोपालगंज में 52, जमुई में 2, जहानाबाद में 5, कैमूर में 7, कटिहार में 59, खगड़िया में 27, किशनगंज में 21, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 26, मधुबनी में 32, मुंगेर में 75, मुजफ्फरपुर में 83, नालंदा में 8, नवादा में 10, पटना में 164, पूर्णिया में 50, रोहतास में 15, सहरसा में 19, समस्तीपुर में 36, सारण में 35, शेखपुरा में 10, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 18, सिवान में 35, सुपौल में 41, वैशाली में 31, वेस्ट चंपारण में 12 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 8 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 2,238 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,08,652 सैंपल की जाँच की गई है। 1,25,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। दिव्यांगों के आरक्षण को लेकर लंबे समय से 1,25,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर फंसा दांव पेच अब सुलझता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके यह वचन दिया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में 1,25,000 शिक्षकों की बहाली शुरू होने की संभावना और तेज हो गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुरोध पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने एक बार फिर से मामले की तरफ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट किया था, जिस पर बीते दिन सुनवाई हुई और इस दौरान ही चीफ जस्टिस संजय करोल की पीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिन की मोहलत देने की मांग को मान लिया है। जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले 2-3 महीने में 1,25,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की SDG रैंकिंग में तलहटी पर रहा बिहार। मोदी सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की SDG की रैंकिंग बीते दिन जारी की गई है, जिसके तहत बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब सामने आया है। 5% राज्यों में से बिहार सबसे नीचे है। इससे ऊपर झारखंड है, फिर उसके ऊपर असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। इसके बाद छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा है। जानकारों की माने तो इस बार रिपोर्ट में 17 लक्ष्य पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट में अगर टॉप 10 में परफॉर्म राज्यों की बात करें तो टॉप 5 के लिस्ट में केरल पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, चौथे नंबर पर सिक्किम और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र है। बिहार के स्कूल में पुस्तकालाध्यक्षों की होगी नियुक्ति। जिला शिक्षा पदाधिकारी से पुस्तकालाध्यक्षों के रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा विभाग ने मांगी है, जिसके बाद अब राज्य के स्कूलों में पुस्तकालाध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वो जिलों में कार्यरत पुस्तकालाध्यक्षों की संख्या बताए। पत्र में हर जिले में आवंटित पदों की संख्या बताते हुए कार्यरत बल और रिक्तियों की संख्या की जानकारी 1 सप्ताह में भेजने का आदेश जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रदेश में पुस्तकालाध्यक्षों के कुल आवंटित पद 2599 है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति की बड़ी मुश्किलें। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी पर गाज गिरने वाली है। गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप के कारण तिवारी को कंपलसरी लीव पर भेज दिया गया है। राज्यपाल के निर्देश पर सचिवालय ने इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल के परामर्श पर राजभवन में विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार किसी अन्य को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार मगध विश्वविद्यालय बोधगया के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसकी जानकारी राज्यपाल सह कुलाधिपति के सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप के बाद भी आपकी तरफ से सहयोग नहीं करना गंभीर बात है। ऐसे विषम परिस्थिति में आपका यह आचरण घोर निंदनीय और मर्यादित पूर्ण अनुशासनहीनता का स्पष्ट घोतक है। राजस्थान बिजली कंपनियों में निकाली गई 1,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने राजस्थान राज्य पावर कंपनियों में कुल मिलाकर 1,075 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। राजस्थान की बिजली कंपनियां RVUN, RVPN, JVVN एंड JDVVN ने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए विज्ञापन 22 फरवरी 2021 को जारी किया था। जिन पदों के लिए रिक्तियां घोषित की गई उनमें इंजीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, जूनियर केमिस्ट और इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के पद शामिल है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 जून 2021 से आवेदन सकते हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट energy.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजेश कुमार की। राजेश कुमार का जन्म 20 जनवरी 1975 को हुआ था। राजेश कुमार पटना बिहार में पैदा हुए एक भारतीय अभिनेता है। उन्हें स्टार प्लस के हिट कॉमेडी ड्रामा सीरीज बाबाहू और बेबी में सुबोध ठक्कर जैसी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है और स्टार वन हिट सिटकॉम सारा भाई बनाम सारा भाई में रोशेश सारा भाई के रूप में और सारा भाई बनाम सारा भाई टेक टू राजेश हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र है। उन्हें आखिरी बार स्टार भारत सीरीज एक्सक्यूजेज दी मैडम में सनम हरजाई की भूमिका में देखा गया था। राजेश ने अब तक एक महल हो सपनों का घर एक बंदर कुसुम देश में निकला होगा चांद शरारत सारा भाई वर्सेस सारा भाई कॉमेडी सर्कस टाइम आउट विद इमाम महाराज की जय हो जैसे कई सीरियल में काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने सुपर नानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मैन विल बी मैन फिल्मों में भी काम किया है। बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों का आरक्षण का बढ़ा दायरा। बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। हालांकि बिहार में 2019 से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान लागू है। अब राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नया आदेश निकाला है। इसमें नए सिरे से वैसे जातियों का वर्गीकरण किया गया है जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि हिंदू समुदाय के उच्च जातियों के ब्राह्मण राजपूत भूमिहार एवं कायस्थ तथा मुस्लिम समुदाय की उच्च जाति सैयद शेख एवं पठान जातियों के लोगों को आर्थिक रूप कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र पूर्व से निर्गत किए जाते रहे। इसी परिपेक्ष में सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 नवंबर 2020 को सिंधी एवं खत्री जाति के सदस्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी से किया गया था। IGIMS में होगी 100 डॉक्टर सहित 272 नियुक्तियां। IGIMS स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए राज्य सरकार ने 272 पद सृजित किए हैं जिनमें डॉक्टर के लगभग 100 और बाकी तकनीकी कर्मचारियों के पद शामिल है। अत्याधुनिक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में राज्य भर के कैंसर मरीजों का उपचार होगा जिसके बाद एक छत के नीचे ही सर्जरी से लेकर उपचार तक की पूरी व्यवस्था देखने को मिलेगी। इससे कैंसर के उपचार के लिए राज्यों के मरीजों को दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत अब नहीं होगी। अस्पताल में क्लिनिकल हेमेटोलॉजी बोन मैरो इसके साथ साथ प्रत्यारोपण मेडिकल फिजिक्स मेडिकल ऑन्कोलॉजी इम्यूनोपैथोलॉजी आदि विभिन्न के सहायक प्राध्यापकों के हर साल 30,000 से अधिक मरीज देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही लगभग 60,000 पुराने मरीज फॉलोअप पर पहुंचते हैं। रेरा आधे बिल्डरों पर लगाएगा अब भारी जुर्माना। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हाल ही में बिहार के सभी बिल्डरों से प्रोजेक्ट और कंपनी का हिसाब मांगा था। हालांकि अब तक ऐसे 50% बिल्डर हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट और कंपनी का हिसाब नहीं दिया है जिसके बाद अब रेरा ने 15 जून की आखिरी समय सीमा दी है जिसके बाद रियल एस्टेट कंपनी और बिल्डरों ने हिसाब नहीं दिया तो जुर्माना लगाया जाएगा। खबरों की माने तो पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 5-10% तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। रेरा की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मार्च तक करीब 300 कंपनियों और बिल्डरों ने हिसाब दे दिया था। इसके बाद रेरा ने बाकी बिल्डरों को नोटिस भेजा जिसके बाद प्रोजेक्ट हिस्सा देने की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद भी कई बिल्डरों ने हिसाब नहीं दिया। दूसरी तरफ कोविड-19 का संक्रमण बढ़ गया था ऐसे में अब आखिरी मौका 15 जून तक दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए फिर से करनी होगी पूरी मशक्कत। पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की मेहनत पूरी खराब हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव को लेकर अब पूरी मशक्कत दोबारा से करनी पड़ेगी। खबरों की माने तो पंचायत आम चुनाव के स्थगित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को कुछ तैयारियों के लाभ को छोड़कर अब फिर से चुनाव कराने की व्यवस्था करनी होगी। आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी कि वो नए सिरे से मतदाता सूची की तैयारी का वर्तमान मतदाता सूची अगले चुनाव तक अनुपयोगी हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए अक्टूबर में रिजर्वेशन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के वर्तमान में कुल मिलाकर 7,50,00,000 मतदाता बिहार में है। राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से भारत निर्वाचन द्वारा जारी मतदाता सूची के आधार पर प्राप्त करना होगा। इसमें राज्य के शहरी और ग्रामीण मतदाताओं को भी अलग अलग रखना होगा। इसके साथ ही प्रति 800 मतदाताओं के आधार पर एक बूथ का गठन करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर टीका एक्सप्रेस को किया रवाना। बिहार में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 121 टीका एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। इन 121 टीका एक्सप्रेस में से यूनिसेफ ने 40 गाड़ियां सरकार को उपलब्ध करवाई है। इस बाबत यूनिसेफ के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर नफीसा विंटेज शफीक ने बताया कि कोविड-19 बीमारी है तो टीकाकरण के लिए यूनिसेफ ने 40 गाड़ियां सरकार को उपलब्ध कराई है। यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर SS रेड्डी ने बताया कि पटना शहरी क्षेत्रों के मोहल्ले में जाकर टीकाकरण एक्सप्रेस से लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करेगी तथा टीकाकरण को गति प्रदान करेगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी का पाठ्यक्रम
अब होगा बिहार के 5 जिलों के 5 संस्थानों में। बिहार के 5 जिलों के 5 संस्थानों में जल्द ही डिप्लोमा इन फार्मेसी का पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है। विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत इसकी शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर सरकार ने संबंधित संस्थानों में आवश्यक संसाधनों को सूचीबद्ध करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसके तहत अब नालंदा, सिवान, बांका, समस्तीपुर और रोहतास में बने फार्मेसी कॉलेज में डिप्लोमा इन फार्मेसी के पाठ्यक्रम को शुरू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुरूप प्रति संस्थान अभी आवश्यक उपकरण, कंप्यूटर, ग्लासवेयर तथा केमिकल आदि की व्यवस्था की जाए, किताबें और आवश्यक जर्नल जुटाने होंगे। टीईटी सर्टिफिकेट की मान्यता अब होगी ताउम्र। शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर ताउम्र कर दिया है। इस बाबत केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट जारी कर आदेश जारी किया है। निशंक ने कहा कि जिन उम्मीदवारों या छात्रों के प्रमाण पत्र की 7 साल की अवधि पूरी हो गई है, उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश टीईटी की वैधता अभी पुनर्निर्धारण करने का नया टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। इस कदम में शिक्षण से जुड़े अपना करियर बनाने को इच्छुक उम्मीदवार के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार म्यूजियम पटना म्यूजियम होगा अंडरग्राउंड कनेक्ट। बिहार म्यूजियम पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड कनेक्ट करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अधिकारियों की मीटिंग बीते दिन करवाई गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का पहला इंटरनेशनल म्यूजियम पटना में बना है, जिनका नाम बिहार म्यूजियम है। पहले से बनाए गए पटना म्यूजियम का विस्तारीकरण कर उसे और भी बेहतर बनाया जा रहा है। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम अंडरग्राउंड कनेक्टेड होगा, जो अपने आप में यूनिक होगा। जो प्रपोज अलाइनमेंट दिखाया गया है यह अच्छा है। इसमें सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। दोनों म्यूजियम की आपस में कनेक्टिविटी से बिहार के पुराने इतिहास को और बेहतर ढंग से समझने में सहूलियत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के खर्चे का जारी किया गया ब्यौरा। कोविड-19 के दौरान पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव कराया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव में 9 राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर 503 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इन सभी प्रत्याशियों की जीत के लिए कितने रुपए खर्च किए गए, इस बात की जानकारी साझा की गई है। बिहार इलेक्शन वॉच और ADR की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 185.14 करोड़ का चंदा उगाही किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 9 राजनीतिक दलों द्वारा इस राशि का खर्च किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान भाजपा ने 35.83 करोड़ की आय घोषित की, जो जदयू 55.607 करोड़, BSP 44.581 करोड़ और कांग्रेस 44.536 करोड़ के बाद चौथी सबसे बड़ी राशि है। लेकिन खर्च के मामले में भाजपा सबसे आगे है। भाजपा ने 54.721 करोड़ का खर्च दर्शाया है। उसके बाद कांग्रेस ने 12.352 करोड़, जदयू ने 9.851 करोड़ और BSP ने 4.794 करोड़ का व्यय घोषित किया है। बिहार सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर हाईकोर्ट में दायर किया हल्फनामा। कोविड-19 के मामलों को लेकर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बीते दिन हल्फनामा दायर किया गया, जिसके तहत राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने में ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है। इसके साथ ही बिहार सरकार की तरफ से 10 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में 4,387 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ 7,194 डी टाइप और 17,594 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए गए हैं। साथ ही आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 जून को होने वाली है। साइकिल गर्ल ज्योति से प्रियंका गांधी ने की बात। साइकिल गर्ल ज्योति ने हाल ही में अपने पिता को खो दिया है, जिसके बाद बीते दिन प्रियंका गांधी ने उससे फोन पर बातचीत की है, जिसके तहत प्रियंका गांधी ने ज्योति के पिता के गुजर जाने पर संवेदना प्रकट की। साथ ही प्रियंका गांधी ने उसे पढ़ाई जारी रखने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। गुरुवार को स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेता मशकूर अहमद उस्मानी ज्योति के गांव में हमारा प्रखंड के सिरहुल्ली पहुंचे और ज्योति को प्रियंका गांधी द्वारा हस्ताक्षरित शोक संवेदना पत्र प्रदान कर संतावना दी है। उन्होंने ज्योति से कहा कि खूब पढ़ो। राजद नेता अमरेंद्र धारी सिंह पहुंचे 10 दिन के लिए ईडी के हिरासत में। राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को बीते दिन ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद राजद के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को दिल्ली की अदालत ने 10 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। खबरों की माने तो ईडी ने यह गिरफ्तारी फर्टिलाइजर घोटाला मामले में की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, फर्टिलाइजर घोटाले को लेकर सीबीआई ने कुछ दिन पहले ही मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने इसी केस के आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। सूत्रों की माने तो सांसद अमरेंद्र धारी सिंह का ईडी की तरफ से मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमरेंद्र धारी सिंह की गिरफ्तारी से राज्य में हलचल बढ़ गई है।
खाद घोटाला के आरोपी को राज्यसभा भेजने की बात कहकर नीरज कुमार ने साधा निशाना। बिहार विधान परिषद के सदस्य और जदयू नेता नीरज कुमार ने खाद घोटाले के अभियुक्त अमरेंद्र धारी सिंह की गिरफ्तारी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राजद ने खाद घोटाले के आरोपी को देश में उच्च सदन राज्यसभा में भेजा था। ऐसा करके राजद ने लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित किया है। इसके साथ ही नीरज कुमार ने राजद से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या एक घोटालेबाज को राज्यसभा भेजने में धन की महिमा भी रही थी, इसकी जाँच होनी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय खाद घोटाले की जाँच कर रहा है। मैं आईडी से मांग करता हूँ कि वो अपने जांच का दायरा बढ़ाए यह और पता करे कि क्या राज्यसभा चुनाव में भी घोटाले से अर्जित संसाधन का इस्तेमाल हुआ था। एसडीजी इंडेक्स में बिहार के नीचे आने पर लालू यादव ने कसा तंज। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आने के बाद नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। लालू यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से दैनिक खबर का लिंक साझा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यंगपूर्ण बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बधाई हो, आखिरकार 16 साल की बिहार नाशक मेहनत से नीतीश ने बिहार को नीचे से टॉप करा दिया है। आपको बता दें, अंग्रेजी दैनिक ने नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल सबसे अव्वल रहा, जबकि बिहार का प्रदर्शन बेहद खराब है। इसी खबर के लिंक को शेयर करते हुए राजद सुप्रीमो ने उक्त बातें कही हैं। भाजपा एमएलसी टुन्ना जी पांडे को नोटिस किया गया जारी। राजनीतिक गलियारे में इन दिनों भाजपा एमएलसी टुन्ना पांडे की काफी चर्चा हो रही है, जिसके बाद भाजपा अनुशासन समिति ने पांडे के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, उनके बयान में जदयू भाजपा में घमासान बचा हुआ था। पांडे ने यह बयान दिया था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया है। वोट तो तेजस्वी यादव को मिला था, लेकिन जनादेश की चोरी करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार को तो जेल में रहना चाहिए था, जिसके बाद ही उनके इस बयान को लेकर पार्टी ने अब उनसे जवाब मांगा है। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा अनुशासन समिति की तरफ से उनसे 10 दिनों में जवाब की मांग की गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कांडों से दर्ज। 2008 में आज ही के दिन हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 साल से कम उम्र की लड़कियों को भी देने की घोषणा की थी। 1931 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री बीना रॉय का जन्म हुआ था। 1948 में कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री का जन्म हुआ था। 1959 में अनिल अंबानी का जन्म हुआ था। 1959 में सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की थी। 1936 में हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री नूतन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम एक साथ इंग्लैंड के लिए हुई रवाना। बीते दिन एक चार्टर विमान से भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम दोनों इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रवानगी से पहले कप्तान विराट कोहली, तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज के साथ सीनियर महिला क्रिकेट टीम मिताली राज और झूलन गोस्वामी की तस्वीरों को ट्वीट किया गया। सभी खिलाड़ी मास्क में नजर आए। यह पहली बार है जब भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम एक साथ किसी दौरे के लिए रवाना हुई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों टीम लंदन पहुंचने के बाद सीधा साउथहैम्पटन जाएगी, जहां वो क्वारंटीन में रहेगी, जिसके बाद 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। कंप्यूटर कीबोर्ड के एफ और जे बटन पर उभार होने के पीछे है यह कारण। अक्सर कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ और जे बटन पर नीचे की तरफ उभार का निशान रहता है। जानकारों की माने तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर जो बीच वाली लाइन होती है उसमें होम रो कहा जाता है। टाइपिंग सीखते वक्त हम सबसे पहले इसी पंक्ति से शुरुआत करते हैं। इस पंक्ति में आपको ए एस डी एफ जी एच जे के और एल अक्षरों के बटन मिलते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एफ और जे वाले बटन कीबोर्ड के बीचों बीच होते हैं और इन दोनों बटन में उभार दिया जाता है। ऐसा इसलिए जब आप टाइप करें तो आपकी उंगलियों को पता चल जाए कि वो किस बटन पर है। टाइपिंग के वक्त यह जरूरी है कि आपके निगाह स्क्रीन पर रहे और इन उभारों से आपको पता चल जाता है कि आपकी उंगलियों की स्थिति क्या है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है भक्ति गाना, रंजिता मेहता, नरेश कुमार, कुंदन मेगावत, आर्यन मांझी, पवन कुमार यादव, प्रभात कुमार, डॉली सिंह, राजपूत, प्रद्युमन, अमित सुरभि, राणा, अजय कुमार, दीक्षा भगत, राहुल कुमार, पूर्णिया, अमरजीत कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार टीईटी सर्टिफिकेट की मान्यता को 7 साल के बजाय अब ता उम्र करने का निर्णय भारत सरकार का सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।